कैसा लग रहा गाड़ी चला के? ओ ओ लगी चिकू चिका कम है दिखा लिया तो डॉगी खराब कर दिया तूने। गुड मॉर्निंग माय बेबी, बाय बाय, आई विल सी यू इन 2 hours, ओके? आई लव यू। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह बारिश हो रही है और मेरे पास जैकेट है, अम्ब्रेला नहीं है। और दोस्तों सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ कहाँ जाने के लिए, अपनी म्यूजिक क्लास के लिए। सो आई एम लिटिल बिहाइंड बाय 5-10 मिनट्स आई थिंक। और आप सोच रहे होंगे पैदल कहाँ जा रही हूँ, पैदल मैं जा रही हूँ गाड़ी को पिक करने, क्योंकि गाड़ी है चार्जिंग पे, कोई 100% मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। यस, मेरे ऑटो पायलट 1 वीक के लिए बंद है, ये कारनामे हैं फियांशी के। सो ऑटो पायलट छिन गया फॉर 1 वीक और मुझे इतना ऐसे लग रहा है ना, अजीब। आप सोच रहे होगे अजीब क्यों लग रहा है, कीरत ड्राइव तो आती है आपको, बट गाइस ऑटो पायलट इज माय हेल्पिंग हैंड, इट्स लाइक आई हैव अ ड्राइवर, आई एम जस्ट सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग दैट ड्राइवर मेक श्योर्स कि भाई मेरे को मेरी जगह पहुंचा दे, एंड थोड़ी थोड़ी जगह पे टेक ओवर करना पड़ता है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा आदत हो गई है मतलब कि ऑटो पायलट की, तो लाइक आई एम नॉट एबल टू ड्राइव लॉन्ग रूट, स्पेशली लोकल तो छोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, लॉन्ग रूट पे तो जैसे आबिसवर जाना है क्या, हमें हाथ में ऐसे ऐसे करते रहो, अपने आप चलती है बढ़िया मस्त, थोड़ी सी थोड़ी जगह पता होता है कि हमें कहाँ टेक ओवर करना है, कहाँ ये नहीं कर सकती। Anyway, कल रात को मैं सोई 1:30 बजे और आपके सामने है मैं उठ गई हूँ, मैं 5:30 उठी थी, हाँ 5:30 मैं उठ गई थी, बट फिर बेड पे आराम से बैठी 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 करते करते 6 बजा दिए थे मैंने, फिर नई नई करी और 7 बजे निकल पड़ी हूँ अपनी म्यूजिक क्लास के लिए। मैं अपना स्केड्यूल इसलिए बताती थी क्योंकि यहाँ पे कनाडा में बहुत लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, यार इतनी लेट सोएंगे, आवाज लगाएंगे, तो मैंने कहा यार मैं आपको बता देती हूँ टाइमलाइन अपनी भी, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, राइट? क्योंकि ऐसे ही देख के आप थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट यू, एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट, बॉडी एवरीबॉडी इज इन द सेम बोट। अभी मैंने सुबह सुबह पानी ही पिया है बाय द वे, कॉफी का एक बूंद तक नहीं किया यार मेरे को, ना सच्ची है ना सीरियस नोट, मैं जब से मतलब कि मैंने CPA की स्टार्ट की थी ना पढ़ाई, तब मेरे को कॉफी की आदत पड़ी थी, हमने कल कॉलिग्स को भी बताया, मैंने कहा अब मेरे को इतनी आदत हो चुकी है कॉफी की, लाइक आई कांट वर्क विदाउट 2 कप्स ऑफ कॉफी, और समटाइम्स आई एम ड्रिंक 3-2, मतलब होते इतना सा है, लार्ज कप नहीं होता ऑफिस का, इतना सा ही होता है। दोस्तों लगता है फुल सेल्फ ड्राइविंग है, लेन असिस्ट अभी भी है, देखते हैं ब्रेक, स्टॉपिंग फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, स्टॉप हो रही है, ओके लेन असिस्ट अभी भी है, ओके दैट्स गुड, चलो मम्मी से बात करती हूँ, बाय बाय। दोस्तों म्यूजिक क्लास से हो गई हूँ फ्री और अब जा रही हूँ घर, मैं सोच रही हूँ जाते जाते ना जाने से पहले कॉफी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नींद आएगी, ट्रैफिक हो सकता है बहुत ज्यादा, अभी देख रहा था ट्रैफिक का तो 44 मिनट्स लग रहे हैं, कॉफी ले लेनी चाहिए। Hi there. Hi, what can I get you? Hi, can I get just a coffee, 1, 2 milk, that's it. What size? Medium. Medium coffee, 2 milk, anything else? That's all. Driver. Thank you. I think cold coffee kar di unhone. Hot hi kariye dosto, hot hi kariye. Good morning guys, welcome back to the channel. आज है फियांशु का वर्क फ्रॉम होम एंड कीरत का भी वर्क फ्रॉम होम है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आज का तो फुल फंडे होगा, मैडम भी घर पे हैं,
ये मैडम भी घर पे हैं, मैं भी, भाई साहब भी घर पे हैं, चीका भी घर पे, और शाम को हमने जाने जैन और निहारिका के घर पे डिनर के लिए। ओ ओ लगी डाडा जस्ट ड्रॉप द बैग मॉम एंड इट फेल ऑन माय फेस। डाडा क्या करते जा रहा? दोस्तों मम्मा जी का अपडेट दे देता हूँ, ये देखो क्या बात कर रहे हो। सिखाना तू भाई और को ही काम कर ले, सिखा के जा रहा। मैं तो इतनी खुश हूँ। दादी नानी और पर नानी अवेलेबल हैं सबके बुनने के लिए। किशु से कल मेरी बात हुई ना तो किशु कहती मम्मा अभी आपकी ये वाली एज नहीं आई है कि आप स्वेटर बुनो, ये 5 सालों के बाद शुरू करना। हाँ मैंने कहा नहीं नहीं तो ना मैं कर लूंगी। कहती फिर बोलोगे मेरे हाथों में स्वेलिंग हो गई, ये हो गया। मैं कहती हूँ चिका के लिए शुरू करती हूँ। सुबह से दोनों महिलाएं ऐसी सोई दोपहर को। गाइस अब हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? हम डिनर पे जा रहे हैं चिक्कू के साथ। चिक्कू के साथ चलो मम्मा। अपडेट दोस्तों, मम्मा क्यूट लग रहा है ना देखो। यस लास्ट मिनट गिफ्ट शॉपिंग कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअली 2 गिफ्ट हमने ऑलरेडी लिए हैं बट हमें एक और, हमने एक सेट बनाना था राइट। वो जो तीसरी चीज पसंद आई थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई एंड फिर हमने सोचा कि चलो पास घर के पास चलते हैं। दोस्तों हमने कुछ ले लिया है, गाड़ी में चलते चलते मैंने कर दिया है गिफ्ट रैप। ये देखो सब सामान दिख रही थी मैं गाड़ी में। चल दिए हैं साशी जैन एंड निहारिका के घर पे। yes. यहाँ पे उन्होंने अपनी हाउस वार्मिंग के लिए हमें बुलाया है। Yes. और ये हाउस वार्मिंग पे गाइस हमने पिछले हफ्ते जाना था बट तब चिकू को सीन हो गया था, सो इस बार हम चिकू को साथ लेके चल रहे हैं। तेरे घर के प्लान कैंसिल हो गया थी लास्ट टाइम और इसको अब साथ लेके जाने। सही बात है, आज से जाना नहीं था साथ में। इसने इतने ड्रामे किए, इतने ड्रामे किए कि मेरे को ले जाओ ये वो फ्लॉर्ट करना। आज सबको मैंने बताया इतना मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना, ऐसे लग रहा है मेरा कोई ड्राइवर छीन गया। तूने व्लॉग बनाया था सुबह? हाँ ऐसे तो थोड़ा सा बनाया है, ये तेरे को बताया क्लास में गई थी अपनी। कैसा लग रहा गाड़ी चला के? बहुत ही गंदा। टेस्ला जिसको आदत हो जाए, जिसको ऑटो पायलट की आदत हो जाए। तो इधर क्या होता है, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि लेन असिस्ट है लेकिन सिर्फ क्रूज कंट्रोल था दोस्तों, लेन असिस्ट भी नहीं था सुबह। हाँ ये मतलब ये उसकी है सिर्फ क्रूज, ऑटो क्रूज है ठीक है, ये इधर उधर जा रही है ये। हुआ क्या कि मैं अभी जब पहले चिला बैग जा रहा था अभी थोड़े दिन पहले, मैं सीट पीछे करके पॉडकास्ट सुनने लग गया और हाथ ऐसे चौकड़ी मार के, तो बस टेस्ला ने दे दी पनिशमेंट। क्योंकि जब से हमने गाड़ी ली है जब 5 बार वो नोटिस कर लेती है कि तुम ज्यादा ड्रामे कर रहे हो तो उसे ऑटो पायलट डेली हफ्ते के लिए। ना लेन असिस्ट है ना ऑटो पायलट है, कुछ नहीं है, चलाओ बैठ के। मैं तुमसे बैठ के अगर कैमरा पे भी आप वो लगा दो, ये कैमरा अगर इस पे टेप लगा दूंगा फिर भी चलेगा नहीं, ऑटो पायलट नहीं चलेगा। क्योंकि उनका ये रूल है कि तुम्हें ऑटो पायलट करके सो मत जाना क्योंकि अभी ये सुपरवाइज फुल्ली नहीं है, तो भाई यू हैव टू बी सुपरवाइजिंग द एंटायर थिंग। और दोस्तों नहाते नहाते आज मम्मी जी का ऐसे शावर पे लगा और फिर ऐसे थोड़ा सा स्लिप हुए, क्या हुआ एग्जैक्टली? स्लिप हो गए। हाँ मैं उसको टब से बाहर ऐसे आ रही थी ना, पैर एक स्लिप हुआ मेरी फिंगर, मैंने ऐसे इस वॉल पे ऐसे किया शिट, और फिर वो दूसरा एकदम बस बच गई बहुत ज्यादा। माय गॉड, इधर उधर से जो झटका लगा उससे मैं थोड़ी सी लटका गई। नहीं ध्यान रखो क्योंकि टब की आदत नहीं ना होती, और नहीं आदत के अलावा ना वो हमें उससे जब बाहर निकलना होता है ना उसमें मुझे होता है, ऐसे तो कितना टाइम हो गया यूज करते हुए। अभी हमने निहारिका के घर पहुंचना था 8 बजे, हम पहुंच रहे हैं कितने बजे? 8:30 8:30 पहुंच रहे हैं। और फिर चुका था हम ना 11 बजे ही निकल आएंगे कल। कल इसने जाना है 4:30 उठना है, ही इज गोना कैच फेरी है ना, और इसकी इतनी जान निकली कहता मेरा बिल्कुल दिल नहीं आज दोपहर को मम्मा पार्टी करने का, बिल्कुल दिल नहीं करता। दोपहर को मम्मा और किरण सो रहे थे, इन दोनों को देख के मुझे ऐसे हुआ मैं भी सो जाता हूँ, अभी बस आधा घंटा सो जाता हूँ, आधा घंटा पर करते 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 पता ही नहीं चला शाम कब होगी। मैं फ्रेंड्स मतलब 5:15 ऐसे सोई हूँ,
मुझे तो लगा जब मैं आपका आपके पास आई रूम में कि आप तैयार हो रहे होगे, जब मैंने देखा कि आप सोए हुए हो, मैंने कहा व्हाट मम्मा कैसे सो गए दिन में। मोरओवर आज आई गेस पता नहीं फैंसू ने कुछ खाया नहीं, हमने सुबह ही का ही सबने कुछ खाया हुआ। मैंने तो सुबह दूध और वो ओट्स लिया था। मैंने भी जो आपने दिया था सिर्फ आधा खाया, आधा बचा हुआ था। आप डिनर पहला डिनर खाएंगे सीधा। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशन वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन यारिका, बहुत ही प्यारा है। अच्छा ये अभी आया फर्नीचर वगैरह ना, इसी की वेट कर रहे थे आप लोग। वेरी नाइस डाइनिंग टेबल, जैन बहुत सेक्सी लग रहा है सच्ची। टीवी इज ह्यूज, वेरी नाइस, सुंदर लग रहा है। ओह नाइस यार, अमेजिंग, बिग काउंटर टॉप। अरे क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सेक्सी है। मुझे तो ये काउंटर टॉप ही बहुत प्यारा लगा। बहुत अच्छा। तो ये वगैरह ये सब भी ऐसी थे? नहीं, जो लैंप्स वगैरह सब कुछ ऐसी थे। अच्छा वेरी नाइस वेरी नाइस। ये तो चलो फिक्स्चर्स तो निकाल भी नहीं सकते, बट फर्नीचर वगैरह फाइनली आपका आ गया सारा। आप लोग वेट कर रहे थे काफी टाइम से। रूम का हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा हो गया। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी ठंड ठंड करो फिर इसको जगाना, फिर हम आएंगे दोबारा। ये प्रोपेन वाला है कैसे इसका सीन? इलेक्ट्रिक है ना, ये ऑटिना है। हां ये इसके साथ ही चलेगा। ओके ओके ओके। और इधर स्टोरेज भी। ओ सॉरी बाय द वे, मुझे आपके घर का नंबर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो दिखाओ पूरा घर, दिखाई तो फिर। एक्चुअली क्या है ये, मेरा वार्म अप हो रहा होता है। जब तक मैं दिन में चार घर ना देखूं मेरे को शांति नहीं मिलती आजकल। यार जैन बहुत सेक्सी है, तो बड़ा रूम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ आई लव दिस। मैंने शायद आपके उस वाले घर में रूम देखे ही नहीं थे कभी। अच्छा वेरी बिग रूम, वेरी बिग रूम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कह रहे कैंपिंग पे गए थे इनके साथ, कैंपिंग पे गए थे। अरे वेरी खुला, वेरी नाइस। ये कितने स्क्वायर फीट आए? कितने स्क्वायर फीट आए? 1176। जैसा जैन को चाहिए था खुला डुल्ला सा ऐसा मिल गया। दिखा लिया तो जैन कह रहे दुनिया घर देखेगी अब। मैं कहा अब तो चला गया ब्लॉग पे। नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, और वो बोहो वगैरह वाइब लैंप ये वो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। मूव इन करवे कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए हमने। जून में आते हैं। पूरा सर्वे ऐसे कर रहे हैं। चला जा सामान ले ले। हाय रे रात में उठा के ले जाएगा। क्या रखे चिकू चिका आ जाओ, आ जा मेरे बच्चा, आ जा मेरे बेबी, आ जा मेरे बेबी। दो 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 हमको नहीं देने का मैसेज। ओ आ जा मेरे बच्चा चिकू का, आ जा चिकू चिकू। ऐसे लोग उठा के ले जाते बच्चों को, कम तो ये देखो इधर। ओ वो देखो चला ही गया, वापस ही चला गया उधर। चिकू चिका कम है बच्चा मम्मा जी लाटो जी चिकू मम्मा बेबी और मम्मा बेबी जी मम्मा बेबी। मैं तो एक ही बार लगाई है, मैंने एक ही बार लगाई है। वो तो अभी मेरी
जैन हमें मेरी बीवी गा के सुननी शुरू करी, वो एक्चुअली मेरा लड़का था, पता कोई गा के बुलाए मे बेबी मे लड्डो तू ज्यादा जैन की बातें ना सुना कर गुगला, तीन बार ऐसे ऐसे किए इसने मेरी, देख एक ही बार में आ गया बाबू तू गा के बगर डॉगी खराब कर दिया तूने, मैं तो चिकू कम आता ही नहीं है, चिकू कम हर कोई गा नहीं सकता तेरी माँ की तरह। अच्छा जा 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 चेक कर क्या किचन में क्या चल रहा है, जा चेक कर क्या किचन में क्या चल रहा है, गो जा 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 गो गो आ जा चिकू आ जा, ओ खाना खा ले जा। थैंक यू जैन और निहारिका, क्या बात है, क्या थैंक यू निहारिका, हाँ मैं तो निहारिका ही बोलता हूँ, न्याय निहारिका न्याय न्याय वाला, एक दिन की सी वो सीम भी बने थे नायक मूवी में थे ये सिर्फ न्यारिका ने मेरे सपोर्ट पे लाफ्टर दिया है, कह रहे गेस्ट है बुरा नहीं लगना चाहिए। यस वेरी वेरी फ्लेवरफुल फूड दोस्तों, बहुत अच्छी टेस्टी बिरयानी बनाई है, थैंक यू वेरी वेरी यम्मी। दोस्तों घर पहुंच गए थे, बाय को कहा गुड नाइट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।